करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज मैं आपके लिए वजीफा लाई हूँ, इससे पहले छोटी सी गुजारिश है। बहुत से ऐसे बहन भाई परेशान हाल अपने अपने घरों में मौजूद हैं। अगर उनको किसी भी किस्म की परेशानी, दुख तकलीफ या कोई भी मसला है, पसंद की शादी का मसला है, निकाह का मसला है, वालदैन को राजी करने का मसला है या कोई भी ऐसा मसला है, तो ज़रूर हमसे रابطہ करें। इंशाल्लाह आपका इस्तखारा भी किया जाएगा और जो आपके नसीब में अमल होगा वो आपको बताया जाएगा और आपकी भरपूर मदद की जाएगी। इन सब मसाइल का हल इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से आपको ज़रूर अल्लाह पाक, अगर आप शरीयत के लिहाज से करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर फैज़याब होंगे। एक दफ़ा ज़रूर अपनी बहन को याद करें। इसी के साथ बहुत प्यारी अहदीस की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए इसको शैतान अपने लिए हलाल समझता है। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सबका जारिया है, आप इस बात को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका सवाब आखिरत में आपकी औलाद को मिलेगा और इसका सवाब नस्लों तक जाता है। इसी के साथ आज का बहुत प्यारा वजीफा आपके लिए मैं लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा फरमाइश भी, बहुत से ऐसे परेशान हाल बहन भाई हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। किसी भी किस्म की सख्त मुश्किल परेशानी हाजत क्यों ना हो, सिर्फ़ 313 मरतबा आपको एक मैं दुआ बताऊंगी, आप वो पढ़ें। इंशाल्लाह अपनी आंखों से आप मोजज़ा देखेंगे। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी मुश्किल है वो आपकी हल होगी। किसी भी किस्म का मसला है, कारोबारी मसला है, कारोबारी बंदिश का मसला है, जैसे शादियों का मसला होता है, घरेलू झगड़े होते हैं, उनके लिए भी आप ये वसीफ़ा कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। बेऔलादी के लिए भी, मोहब्बत के लिए, अपने प्यारों को मनाने के लिए, कारोबारी बंदिश भी हो जाए, रिस्क की तंगी भी हो, किसी भी किस्म का मसला है, आप ये वसीफ़ा करें। आप यकीन माने जिन लोगों को बैरूनी मुल्क का सफ़र का जो मसले आते हैं, उनके जो वीज़े वगैरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी आप इस मसले के लिए भी ये कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप एक दफ़ा अगर आप खुद करें, ठीक है, उसके बाद आप मुझसे भी रابطہ करें, इंशाल्लाह मैं भी आपकी मदद करूंगी। और आपको बिल्कुल जो सही तरीका है वो भी आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। तरीका इसका ये है कि देखें, चारों कुल अल्लाह पाक ने अता किए, याद रखें चारों कुल अल्लाह पाक ने अता किए। अब चारों कुल को पढ़ने का तरीका देखें, आज जो मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल उसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके तमाम मसाइल जो मैंने आपको बताए वो हल हो जाएंगे। किसी भी किस्म की मुश्किल हो, परेशानी, इसकी निजात अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 1 मरतबा, सिर्फ 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इख़लास, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, ठीक है, और उसके बाद 3 मरतबा तीनों जो कुल हैं वो भी आप पढ़ेंगे। चारों कुल आयतुल कुर्सी सूरह फातिहा। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ के बाद आपने सजदे में जाना है, सजदे में जाके पहले सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ के आपके अगर जितनी भी हाजत है वो बयान करें, फिर आप उठें और दोनों हाथ आमीन कहें, मुंह पे चेहरे मुबारक पे आप दोनों हाथ फेर के आमीन कहें। फिर आपने क्या करना है, सजदे में जाना है, चारों कुल पढ़ने हैं, फिर आपने दुआ अपने लिए जो भी दिल में है वो मांगनी है, और फिर आपने जैसे सजदा देखें, जैसे जैसे कुरान पाक के जब कोई मंजिल या कोई सजदा आता है तो फिर आप करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह जायनमाज़ जाएँ, फ़ौरन सजदे में अल्लाह अकबर करते सजदे में जाएँ, सजदे में जाके सूरह फातिहा पढ़ें पहले, ठीक है, उसके बाद सूरह इख़लास, अपनी दुआएं जो भी आपने याद हैं, जो आपने पूरी करवानी है अल्लाह की राह, तो वो ज़रूर आप पढ़ें। और फिर सूरह इख़लास के बाद जो चारों मतलब कि आप कुल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आमीन कहते हुए दुआओं को कबूल करवाएं, फिर उसके बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, तो यकीन माने दुआओं के साथ साथ जन्नत में भी तो घर होना चाहिए ना, तो जो लोग दुआ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं यकीन माने उनका जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, तो आप ये भी करें। तो यकीन माने एक ही दफ़ा का ये अमल है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इंशाल्लाह तमाम परेशानियां मुश्किलात आपकी ख़त्म हो जाएंगी। कितना भी कोई मसला हो, कितना भी बड़ा मसला हो, फौरन हल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप ये अमल करें और ज़रूर अपनी इस बहन को भी याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करेगी। किसी किस्म की परेशानी, तंगी या कोई मसला, प्रॉब्लम है तो अपनी इस बहन को ज़रूर याद करें, इंशाल्लाह आपकी मदद करूँगी इंशाल्लाह ताला।